Hi guys, welcome to another vlog. So today I am going to TVS Ghaziabad to get my service done. I did my service at around 2500 kilometers, and right now it's around 6500 kilometers right now. So I have to do the get the first service done, and it's really hot over here. I don't know what the weather is going on. Like, sometimes it's really hot in the day and sometimes it's really cold in the night. It's getting over, like, you know, the Rajasthan kind of thing. So guys, I will meet you over there. Another reason to breathe this air. Now I am in the service center. I have came here over here for the service. It's my fourth service right now. So I am here at TVS, as you can see. So ab mera scooty to andar rakh diya, job card bana diya, jo bhi issues ho rahe the maine likh to diya hai. Ab let's see, mechanic ke paas jaate hain, wahan pe usse poochte hain kya hona hai nahi hona hai, and I will update you on whatever things I am getting done. Like अभी तक तो मैंने जितना लिखवाया है कि wheel balancing हो गया, alignment का मैं सोच रहा हूँ, clutch plate wash करवाना है, brake pads हमें ख़त्म हो चुके हैं, and three vibrations दे रही है, carburetor tuning करवानी है, तो so far so good, जाके देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। So guys, ये oil डाल रहा हूँ मैं अपने Ntorq में, ये अभी तक आज के date तक ये बहुत बढ़िया performance दी है। मुझे शेल या मोटोल का पता नहीं है, जो आफ्टर मार्केट आते हैं, ये सबसे बढ़िया आया है मेरे पास, क्योंकि इससे मैंने जम्मू राइड भी किया है और मैंने धनौल्टी वगैरह उत्तराखंड राइड भी किया है, मैंने जयपुर भी किया है, लेकिन मेरा ये ऑयल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हीटिंग इश्यूज़ कम थे, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ये आप ऑयल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भैया ने अभी ला के दिया है मुझे ये ऑयल, तो ये कितने का आते हैं ऑयल? 570 रुपये का आता है, डिपेंड्स कि इतना आप डला रहे हो, ML कम डलाओगे, अगर आपका जुपिटर वगैरह है तो शायद तक कम हो सकती है। तो भैया यहाँ पे हमारे जो Ntorq की रियर व्हील है उसको बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने पहले भी बैलेंसिंग करा के रखा था यहाँ से, बहुत अच्छी बैलेंसिंग हुई थी, इस बार वो पिछले वाला वेट जैसे निकाल देते हैं, अभी निकाल दिया गया है, तो बैलेंसिंग हो रही है यहाँ पे। तो अभी कार्बोरेटर साफ हो रही है, क्लीन हो रही है निकल के, ये भी इसका व्हील बैलेंस्ड हो चुकी है, सब ब्रेक शूज भी क्लीन हो चुका है, ये देखिए पूरा अंदर। हेलो गाइस, मैं अभी स्कूटी सर्विस हो गई है और अच्छी चल रही है, मैंने अभी टेस्ट राइड ले लिया है, आपने क्लिप भी देखा होगा। तो अभी भैया यहाँ पे बताएंगे कि अभी यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है,
आज का भैया बता देना आज क्या क्या काम हुआ है इसमें। आज इसमें ऑयल निकला है, ऑयल डला है। अच्छा, पीछे वाला ब्रेक से सफा हुआ है। हाँ हाँ, आगे वाला डिस्पेट सफा हुआ है। हाँ हाँ, एयर फिल्टर सफा हुआ है। हाँ हाँ, स्पार्क प्लग। हाँ हाँ, कार्बोरेटर के लिए और ये ब्रेक वगैरह टायर जो भी है डिस्क आगे की सफा हुआ है। अच्छा, और मैंने गाड़ी हुई। अच्छा 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 अपने आरपीएम भी सेट किया जाए तक। आरपीएम ट्यूनिंग सेट होती है। अच्छा अच्छा, ट्यूनिंग सेट ये सारी चीज़ें। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑयलिंग साइड स्टैंड की जो दिक्कत थी वो साइड स्टैंड भी होता है। अच्छा, मैंने बट फ्रेंड यहाँ पे मेरा साइड स्टैंड बहुत प्रॉब्लम थी, ये सही हो गई है। कि कोई भी सर्विस वाला ठीक नहीं कर पा रहा था पहले, इस भैया ने कर दिया। भैया आपका नाम क्या है? बिट्टू नाम है। बिट्टू नाम है आपका। कभी भी आओ अपने Ntorq लेके तो यहाँ पे GSTV से बिट्टू जी से मिल लेना, ये आपके Ntorq बढ़िया सर्विस करा देंगे। तो गाइस एज़ यू कैन सी मेरा गाड़ी अभी सफा हो गया है, सर्विस हो चुकी है। अभी बंदा यहाँ पे सफाई कर रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ मैंने देखा यहाँ पे इससे साफ हो रही है, क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरा सर्विस तो बहुत बढ़िया रहा, मतलब GSTV से सर्विस कराया, बहुत बारीकी से सर्विस कराया। अभी तो मेरी रेटिंग पूरी चमक रही है, तो आई एम रियली 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 सेटिस्फाइड। सो राइट नाउ गाइस आई हैव डिपार्टेड फ्रॉम द सर्विस सेंटर, आई एम गोइंग बैक टू माय प्लेस एंड As I told you, I would say my opinion while riding the scooter. Now it's okay. It's working really smooth. But one thing I would like to mention is that whenever I change the scooter's engine oil, I don't know how, but the engine becomes much more refined and smoother. Like it sounds and you know it reacts in a you know most refined and smooth manner. Although I have doubts with my brakes over here, but still I will just get that thing done once I feel really doubtful about that. But for city ride it's okay. Soon I am going to go for a ride, but before that I will go for a short ride which will be soon uploaded to my channel. I haven't taken that right now, but I will take it. And then after that, I will go for a long ride. So that's a secret. The long ride will be a secret. For the short ride, I will be using the peripheral expressway. So now you can guess where I will be going to. So, thank you for watching this vlog. I hope you have liked this vlog. And most importantly, if you like the vlog, only then subscribe. If you don't like the vlog, then comment down below and tell me what is missing in my vlog.